मध्य प्रदेश SAF की ओर से 5 सशस्त्र जवानों की तैनाती थी, जिन्हें अब वापस बुला लिया गया है। पुलिस का तर्क है कि सुरक्षा समीक्षा के आधार पर हटाई गई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि संघ की सहमति से यह फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला प्रशासन ने 11वीं सदी के पिज्जा मंडल को खोलने से इनकार कर दिया है। हिंदुओं ने नाग पंचमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए पिज्जा मंडल खोलने की मांग की थी। दरअसल हिंदुओं के एक समूह ने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद को ज्ञापन सौंपकर नाग पंचमी के अवसर पर शहर के बीचों बीच स्थित इस स्थल को खोलने का अनुरोध किया था। इंदौर के सरकारी स्कूल में मोबाइल ढूंढने के लिए एक शिक्षिका द्वारा नाबालिग छात्राओं के कथित रूप से कपड़े उतरवाकर तलाशी लिए जाने के मामले में SP उच्च न्यायालय के नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। बुंदेलखंड के सागर में इन दिनों यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, क्योंकि यहां पर यात्री बस ऑपरेटर के द्वारा हड़ताल की जा रही है। 100 घंटे से अधिक समय से 549 बसों के पहिए थमे हुए हैं। आलम यह है कि लंबी दूरी पर जाने वाले यात्रियों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों और उपक्रमों में काम कर रहे 3.25 लाख ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। श्रम विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब इन कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि, PM और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में अब भले ही चुनावी माहौल न हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। गाहे बगाहे अपने विपक्षियों पर राजनेता निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को ग्वालियर में देखने को मिला, जब सिंधिया के गढ़ में पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि आस्तीन के सांपों से सचेत रहें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से मोहन सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य महिला व बाल विकास डायरेक्ट रेट के उस आदेश के आलम पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का काम स्व सहायता समूहों से छीनकर सहायिकाओं से कराने का निर्णय लिया गया था। मध्य प्रदेश में फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। आने वाले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। प्रदेश के 4 जिलों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाएगी। उमरिया, बांधवगढ़, शहडोल और वाणसागर बांध में सबसे अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम की छापामार कार्रवाई जारी है। यह कार्रवाई नगर निगम के सेनानिवृत्त अधीक्षण यंत्री PK जैन के निवास और कार्यालय पर की जा रही है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। PK जैन सेनानिवृत्ति होने के बाद संविदा पर स्मार्ट सिटी कार्यालय में पदस्थ है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणन परीक्षा CPCT के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cpct.mp.gov.in के माध्यम से 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।